आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा नगर विकास विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा कार्यक्रम 1090 चौराहे पर आयोजित किया गया। तिरंगा यात्रा 1090 चौराहे से अंबेडकर पार्क होते हुए अंबेडकर चौराहा गोमती नगर तक गई और वापस फिर 1090 चौराहे पर 4 किलोमीटर की पैदल इस तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी द्वारा कोरोना काल के दौरान लोगों की मदद करने वाले वॉलेंटियर को व सफाई कर्मियों को साल ओढ़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। हुए उद्यान से उनका सुंदरीकरण करिए, लोगों को अर्पित करिए, लोगों को भागीदार बनाइए उसकी देखरेख के लिए। जहां मैंने कहा कि गंदगी हो उसको साफ करके वहां नए पार्क बनाइए, जहां कोई खुली जमीन पड़ी हो, अनुपयोगी जमीन पड़ी हो, उनका उपयोग करके आप नए पार्क बनाइए, पुरानों की अच्छे से उसका जीर्णोद्धार करिए। ये सब काम मित्रों हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना देखा था, ये वो काम है। इस काम के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया और साथ में आने वाले दिनों में जब हम स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस समय हम अपना तिरंगा देखिए, जब मन में उमंग होता है तो तिरंगा और भी ऊंचा उठाने का मन करता है। मन से देश की सेवा करने के लिए निकलते हैं। आपने एक तिनका उठाया, एक झाड़ू लगाया, एक जगह गंदगी साफ की, उस दिन देखिए आपका आपका आपके आपके मन में कितना उत्साह होता है देश के प्रति, अपने तिरंगे के प्रति। और ये तिरंगा आप अपने बच्चों को भी इसकी आन बान शान के बारे में समझाइए। ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारे जो लोग स्वतंत्र सेनानी थे उनके बलिदान का परिणाम है कि ये तिरंगा हमारे आपके हाथ में इस तरह से हम लोग लहरा पा रहे हैं। आप मित्रों को, आप सबको इस पर्व पर, महान पर्व पर मैं फिर से शुभकामना देता हूं। और जैसा हमारे माननीय मुख्य सचिव जी ने कहा है कि आने वाले कुछ दिन तिरंगा हर घर पे, हर व्यक्ति के, हर संस्था के, हर स्कूल के, हर फैक्ट्री के प्रांगण में, जहां जो भी जगह मिलती हो ऊंचा से ऊंचा, उस जगह पे आप अपना तिरंगा, देश का तिरंगा, देश का ध्वज, राष्ट्र ध्वज जो है फहरना चाहिए, दिखना चाहिए। आप सबको इस मौके पे मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। नगर आयुक्त ने और नगर के महापौर ने हमको इस कार्यक्रम में भागीदार बनाया। माननीय मुख्य सचिव जी का हमारे बहुत ही वरिष्ठ है, हमारे पूज्य है, हम इनकी छत्रछाया में भारत सरकार में भी काम करते थे और संयोग से हम एक जिले के भी हैं, मऊ जिले के। तो इस प्रकार हमारा बहुत ही आदर है उनके लिए, उनका भी आज इस मौके पर आशीर्वाद मिला। मैं अपने को बहुत बहुत धन्य मानता हूँ इस कार्यक्रम का भागीदार बन के। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बोलेंगे आप लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, एक बार जोरदार। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।